राजस्थान कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। इस बात से सब वाकिफ हैं कि काफी लंबे समय से राजस्थान कांग्रेस में दो गुट बने हुए हैं। पहला है गहलोत गुट और दूसरा है पायलट गुट। समय बीतने के साथ साथ इन गुटों में फासले बढ़ते जा रहे हैं। अब तो पायलट गुट को गहलोत की फजीहत करने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि उनके प्रमुख यानी सचिन पायलट ने ही अपनी सरकार यानी गहलोत खेमे पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। सचिन पायलट ने अपनी ही पार्टी और सरकार पर तंज कसा है। पायलट ने कहा है कि हम लोगों ने जो मुद्दे उठाए उसे आप सब जानते हो। राजस्थान में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है उसके बाद हम उसे रिपीट नहीं कर पाए। ये नेताओं की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम दोबारा चुनाव जीतें। पायलट ने आगे कहा कि पिछली बार 20 पर रह गए, उससे पहले 50 पर आ गए। हम चाहते हैं कि देश के जो चुनाव हो उसमें जो पहले आशीर्वाद हमें मिला है उससे ज्यादा मिले। उन्होंने कहा कि राजस्थान में सरकार अपने काम से, अपने परफॉर्मेंस से फिर से सत्ता में आए, इसी सिलसिले में हमने अपने सुझाव पार्टी आलाकमान को दिए थे। सचिन पायलट ने कहा कि ये हमारा अधिकार था, हमने ये मुद्दा आलाकमान के सामने रखा, जिस संदर्भ में जो हमें कहना था AICC ने संज्ञान लिया, कमेटी बनी, कमेटी ने मीटिंग की, अब समय रहते निर्णय ले लेंगे ताकि लोगों की जो उम्मीदें हैं वो पूरी हो जाए। सचिन पायलट ने न सिर्फ गहलोत बल्कि कांग्रेस हाईकमान पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जब मैं PCC अध्यक्ष था 6.5 साल तक, तो जिन कार्यकर्ताओं ने पार्टी के लिए खून पसीना बहाया, अपना सब कुछ न्यौछावर किया, पार्टी के लिए दिन रात नहीं देखा, पार्टी के लिए लाठियां खाई, जेब से पैसा खर्च किया, उन लोगों को पद पोस्ट न मिले तो भी मान सम्मान तो मिलना ही चाहिए। पायलट ने कहा कि हम चाहते हैं कि पार्टी कांग्रेस का परिवार व्यापक बने, उसमें नए लोग जुड़े, जो मेहनत करता है उसके अनुपात में उसे पॉलिटिकल रिवॉर्ड मिले, यही हमारी मांग है। सचिन पायलट के इन बयानों से उन्होंने न सिर्फ अपने खेमे के कार्यकर्ताओं का जिक्र किया बल्कि कहीं न कहीं कांग्रेस हाईकमान से उनकी नाराजगी भी यहां नजर आई। हाल ही में ऐसा ही घमासान पंजाब में छिड़ा जो अभी भी जारी है, और वहां भी कांग्रेस हाईकमान को झुकना पड़ा, जिसके बाद सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की कमान सौंपी गई। अब पंजाब की यही झलक राजस्थान कांग्रेस में नजर आ रही है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में राजस्थान कांग्रेस में सिद्धू की तरह ही पायलट भी तूफान ला सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।